आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो अच्छा बेटा कल आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त सब बच्चे मौजूद हैं, इस्लामियत की क्लास स्टार्ट हो गई है आप सबकी, क्लास टू ये आपका इस्लामियात का पीरियड है। और जो क्रिश्चियन बच्चे हैं बेटा आप लोग इस पर क्लास लीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्लास आप सब देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, आपको पेज नंबर 13 बुक का नजर आ रहे हैं, पेज नंबर 13। सबक का नाम है आमूल फील। आमूल फील को सुनते ही आपको पता चल गया है हाथियों का साल, ठीक है। और यही वो साल है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की पैदाइश हुई, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ना है कि आमूल फील जो है, आम का मतलब है साल और फील का मतलब है हाथी यानी हाथियों का साल। आप लोगों ने इसकी रीडिंग यकीनन कर ली होगी, पेज नंबर 13 और 14 की। और आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। देखिए पेज नंबर 15 ओपन कीजिए सब बच्चे जल्दी से। जिन बच्चों को पेज नहीं मिल रहा है मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से पेज तलाश कर लीजिए। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे पेज तलाश कर लीजिए, पेज नंबर 15। यू ऑल हैव गॉट इट? ओके। सबसे पहले हमने चूंकि जब सबक पढ़ा है तो आप बड़े आराम से मुझे बताइए, और आप लोग खुद ही मुझे जवाब दे सकते हैं। दुरुस्त जवाब चुनकर टिक का निशान लगाइए। उन्होंने यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दी है और साथ तीन ऑप्शंस है, 1 2 3। सही ऑप्शन के सामने आप टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। सही ऑप्शन के सामने आप टिक का निशान लगाएंगे। पहली स्टेटमेंट है, हाथियों का साल या आमूल फील का क्या मतलब है? अब देखिए स्टेटमेंट में इन्होंने हाथियों का साल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आमूल फील का क्या मतलब है हाथियों का साल? ठीक है, देखिए आपने निशान लगाया। अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखें कि आमूल फील का क्या मतलब है तो हाथियों का साल, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं हाथियों का साल या आमूल फील का क्या मतलब है, तो फिर हम फौरन स्टेटमेंट आंसर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे कि हाथियों वाली फौज का खानाए काबा की तरफ तबाही के लिए बढ़ने वाला साल। इसलिए हम अब यहाँ पर टिक करेंगे, यही इस आंसर में ट्रिक है। तो जब यहाँ पर उन्होंने हाथियों का साल कह दिया है तो फिर यहाँ पर पूछने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जब ऐसे किया है कि हाथियों का साल या आमूल फील का क्या मतलब है, पहली हमने ऑप्शन पढ़ी हाथियों का साल, नेक्स्ट पढ़ी हाथियों की नुमाइश का साल, ये भी हमें नहीं लगता सूटेबल। लेकिन जब हम थर्ड वाली की तरफ जाते हैं, हाथियों वाली फौज का खाना काबा की तरफ तबाही के लिए बढ़ने वाला साल। अब हम यहां पर टिक लगाएंगे, आप सब बच्चे बुक पर टिक कीजिए, क्लास टू। यस, स्टेटमेंट नंबर 2, हाथियों वाली फौज किसकी थी? बगदाद के बादशाह की, नंबर 2 रोम के बादशाह की, नंबर 3 यमन के गवर्नर की। बुक में से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यमन के गवर्नर की, तो ये नंबर 3 है, इसको हम टिक करेंगे, यमन के गवर्नर की, इसको टिक कर लीजिए।
ठीक है बेटा, आई होप आप सबने इसको ठीक कर दिया होगा। अब हम इसके करेंगे मछली सवाल, क्योंकि हमने ये लेसन पढ़ा हुआ है, ये बेहद आसान है, एक वाक्य है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक है कि ये पेज नंबर 15 पे देखें, नंबर वन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे कौन सा साल कहते हैं? ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे कौन सा साल कहते हैं? इसका जवाब है, ये देखिए, जवाब नंबर एक, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फील यानी हाथियों का साल कहते हैं। जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फील यानी हाथियों का साल कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर एक का जवाब है ये। आपकी बुक में नहीं इसका प्रॉपर इतना से आंसर नहीं, आपने खुद से लिख रहे हैं, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं जल्दी से, और अभी आपके पास काफी टाइम है, आप अपनी कॉपी लेकर लिख सकते हैं, रफ कॉपी पर लिख लीजिए फिर नेट लिख लीजिएगा। इसके अलावा मैं शेयर भी कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। जवाब नंबर एक, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फील यानी हाथियों का साल कहते हैं। फिर पेज नंबर 15, सवाल नंबर दो, इब्राहिम ने मक्का की तरफ सफर क्यों किया? जवाब नंबर दो, इब्राहिम ने खाना काबा को ढाने के लिए मक्का की तरफ सफर किया। इब्राहिम ने खाना काबा को ढाने के लिए मक्का की तरफ सफर किया। सवाल नंबर तीन, इब्राहिम ने कौन सी इबादत गाह बनाई थी? जी, इब्राहिम ने कौन सी इबादत गाह बनाई थी? जवाब नंबर तीन, इब्राहिम ने यमन में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया था। जवाब नंबर तीन, ठीक है, इब्राहिम ने यमन में एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी चर्च बनाया था। सवाल नंबर चार, हाथियों वाली फौज कैसे तबाह हुई? तो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, देखिए, जवाब नंबर चार, अल्लाह ताला ने हजारों अबाबीलें छोटी छोटी चिड़ियां भेज दी, हर अबाबील की चोंच में छोटा सा पत्थर था, इस तरह हजारों अबाबीलों ने एक साथ ये छोटे छोटे पत्थर बरसाए जिससे इब्राह की फौज तबाह हो गई। फिर से देखिए, जवाब नंबर चार, अल्लाह ताला ने हजारों अबाबीले छोटी छोटी सी चिड़ियां भेज दी, हर अबाबील
चोंच में छोटा सा पत्थर था। इस तरह हजारों अबाबिलों ने एक साथ ये छोटे छोटे पत्थर बरसाए, जिससे अब्रा की फौज तबाह हो गई। आज बच्चों हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब आप लोग जो बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं या मिस हो गया है तो मैं उनके लिए रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। इसमें देखिए नंबर 1 जो स्टेटमेंट है कि हाथियों का साल या आमूल फील का क्या मतलब है, उसका आंसर ये है। इस पर आप लोग टिक कर लीजिए, जिन बच्चों का मिस हो गया वो अपना बुक वर्क कंप्लीट करें। शाबाश। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि हाथियों वाली फौज किसकी थी, यमन के गवर्नर की। नंबर 3, ये भी नंबर 3 पर टिक करना है आपने, इसको टिक कीजिए। ये थर्ड ऑप्शन है, इसमें टिक का निशान लगाइए। ठीक है। और फिर आज हमने एक ये भी काम किया है कि हमने सारे मशकी सवालात जो उनके जवाब किए हैं। सवाल पढ़ना सीखिए मुझसे। सवाल नंबर 1, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जिस साल पैदा हुए से कौन सा साल है। दूसरा है नंबर 2, कि अब्राह ने मक्का की तरफ सफर क्यों किया, राइट। नंबर 3, अब्राह ने कौन सी इबादत गाह बनाई थी। नंबर 4, हाथियों वाली फौज कैसे तबाह हुई। अब इसके आंसर देखें, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। मैं यहाँ पर कैमरा कर रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। शाबाश। फोकस कर देती हूँ। नंबर 1, आंसर नंबर 1, जवाब नंबर 1, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फील यानी हाथियों का साल कहते हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब नोट कीजिए। ठीक है। फिर नंबर 2, जवाब नंबर 2, इब्राहिम ने खाना काबा को ढाने के लिए मक्का की तरफ सफर किया। जवाब नंबर 3, इब्राहिम ने यमन में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनाया था। जी बच्चों नोट कर लीजिए। और नंबर 4, कि अल्लाह ताला ने हजारों अबाबीलें छोटी छोटी चिड़िया भेज दी, हर अबाबील की चोंच में एक छोटा सा पत्थर था। इस तरह हजारों अबाबीलों ने एक साथ ये छोटे छोटे पत्थर बरसाए, ठीक है, जिससे अब्राह की फौज तबाह हो गई। मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। इसके अलावा बच्चों स्कूल में भी ये सब नोट्स जो हैं ये मौजूद हैं। आप 2 दिन पहले ऑफिस में फोन कर और अपना नाम लिखवा सकते हैं कि मुझे ये नोट्स चाहिए, और फिर 2 दिन के बाद 3rd दिन आप जाकर वो नोट्स ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जो पहले बताएगा उसी के लिए फोटोकॉपी करके रखी जाएगी, ठीक है।
इस्लामियात के हर सब्जेक्ट के आप नोट्स फर्स्ट टर्म के ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप पेज नंबर 43 निकालिए। पेज नंबर 43, ये देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 43 ओपन कीजिए। शाबाश। जी, पेज नंबर 43। खैर व बरकत के कलमात। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से काम शुरू करने से पहले, काम खत्म करने के बाद और किसी से गुफ्तगू करते हुए, दुआ करते हुए या खुद से भी कुछ दुआएं कलमात बोलते पढ़ते हैं। ठीक है, कलमात होते हैं कुछ अल्फाज हम बोलते हैं जिनसे हमारी जिंदगी में खैर व बरकत पैदा होती है, क्योंकि वो कलमात बोलने से अल्लाह ताला खुश होता है, हमारे उस काम में बरकत डाल देता है, अपनी खैर शामिल कर देता है। आज हम उन कलमात के बारे में पढ़ेंगे। आपको भी पता होगा, आपने पढ़े भी होंगे, लोगों को कहते हुए भी वो कलमात सुना होगा। तो आज हम उन्हीं कलमात और उनका साथ तर्जुमा भी हमें पता होना चाहिए। कोई भी कलमा बोलने से पहले बच्चों हमें उसको सही अदा करना मुंह से, क्योंकि आपको पता है कि अरबी कलमात हैं तो जबर जेर के फर्क से मतलब बदल जाता है। ठीक है, उसको सही तरीके से अदा करना और फिर हमें उसका मतलब भी पता हो, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से उसी वक्त उस कलमे को अदा कर सके। अब हम शुरू करते हैं कि जब हम कोई काम शुरू करें तो क्या कहना चाहिए। आपको पता है, मामा भी ने भी बताया होगा और वो पढ़ती भी हैं घर वाले, जब भी कोई, और आपने अक्सर लोगों को, टीचर्स को, सबको देखा होगा अपने, कि वो जब भी कोई काम शुरू करते हैं, तमाम मुसलमान, तो वो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बे के नीचे जेर, मीम के नीचे भी जेर, और अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मीम जेर, मीम जेर के बाद साथ अल्लाह से मिलाना है, तो बिस्मिल्लाह। आपको पता है जब हम ऐसे मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर अलिफ की आवाज नहीं आती। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। अब जब हमने कोई काम शुरू करने से पहले अल्लाह के नाम से शुरू करने का कह दिया, तो बस फिर अल्लाह की बरकतें शामिल हो गई, उस काम में खैर ही खैर अल्लाह ताला डालेगा, और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। जब हम कोई काम शुरू करें तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, मतलब शुरू अल्लाह के नाम से। अच्छा बच्चों, सब बच्चे गौर से सुन रहे हैं, बुक्स पर देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना हो तो बेटा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट कीजिए खुद को, आप क्वेश्चन कीजिए टीचर की परमिशन से, मेरी परमिशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, छींक भी आ जाती है, तो जब छींक आए तो क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। हे को मोटा पढ़ते हैं, ये वाले हे को, अल्हम्दुलिल्लाह, दाल के ऊपर पेश, लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कि बेशक अगर हमें छींक आती है, ठीक है, आपको पता है जब छींक आती है तो कितनी अजीब सी फीलिंग होती है, और एक हम अजीब किस्म की फीलिंग से गुजरते हैं, और ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो रहा है कभी कुछ, तो अल्लाह की मेहरबानी से हम इस प्रोसेस से भी गुजर आए हैं। और आपको पता है कि इंसान को किसी भी मौके पर कुछ भी हो सकता है, तो एक ऐसे फीलिंग आती है जैसे सांस बंद हो रहा है कुछ ऐसी, तो उस एक मुश्किल सा एक प्रोसेस लगता है छींक जब आती है, तो अगर वो ना आए या रुक जाए तो बहुत बेचैनी होती है।
तो जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह शुक्र है, क्योंकि एक नेचुरल है, हर शख्स को आती है। और आपको पता है जब छींक आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हमारी नोज में गए हुए होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, तो ऐसे जर्म्स भी एंटर हो जाते हैं साथ हमारी नाक में। तो अल्लाह तआला ने एक ऐसा प्रोसेस रखा है कि जब हम छींकते हैं तो वो जर्म्स, वो नुकसानदेह पार्टिकल्स हमारी नाक से बाहर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि छींकते हुए किसी के ऊपर मत छींकें, और कोई रुमाल, कोई टिश्यू पेपर और साइड पर होकर छींके, ताकि वो जो जर्म्स हैं उससे किसी और को या आपको भी नुकसान ना हो, ठीक है। और वो फिर टिश्यू वगैरह जिसमें आप छींकते हैं उसे आप उसे बिन में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है। तो हम उस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेशक तू ही तमाम तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए, ठीक है। और किसी काम का इरादा हो, हम अब रोजाना जिंदगी में सुबह से उठने के बाद हमारे इरादे इरादे होते हैं, रात सोने से पहले भी हम बहुत से कामों का इरादा करके सोते हैं, और उठते भी हैं तो बहुत से कामों का मुकम्मल करने का इरादा होता है। तो जब भी आप कोई काम करने का इरादा करें तो आप कहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और देखना ये इसके ऊपर मद है, यानी कि थोड़ा सा अलिफ को लंबा, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, कि अगर अल्लाह ने चाहा उसकी रजामंदी हुई तो इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो मैं अपना ये काम करूंगा, अगर अल्लाह की रजामंदी, क्योंकि हमारी करने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह की मर्जी उस काम में शामिल ना हो। कोई अच्छी चीज देखें तो सुभान अल्लाह, कि अल्लाह पाक, क्योंकि आपको पता है, हम सबको पता है कि तमाम चीजें अल्लाह ने बनाई, चाहे कोई चीज बहुत खूबसूरत है, कम खूबसूरत है, या खूबसूरत नहीं है। वैसे तो हर चीज अल्लाह ताला अच्छी बनाता है, लेकिन इंसान का अलग अलग मियार होता है, हम लोग कहते हैं ये अच्छी नहीं है, हालांकि वही चीज दूसरे को अच्छी लग रही होती है। तो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने चूंकि बनाई हैं, ठीक है, तो बेशक बेशक अल्लाह ही की मर्जी से वह तमाम चीजें बनती हैं, और अल्लाह ही उन तमाम चीजों को बनाने वाला है, तो उसी की वो ज़ाते पाक है जिसने वह तमाम चीजें बनाई है। तो फिर से हम अल्लाह की तारीफ करते हैं जिसने वो चीज बनाई, और हम कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी चीज की तारीफ करना हो तो हम कहते हैं माशाल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, कि अल्लाह ने चाहा है तो वो चीज ऐसी है ना, तो हम कहेंगे माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह ये दरख्त किस कदर खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना, इस तरह। फिर सबसे अच्छा कलमा और अफजल जिक्र, अल्लाह ताला को जो सबसे ज्यादा पसंद है कि इंसान जिक्र करता रहे, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो तारीफ के लायक हो, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो जब हम फारिग होते हैं, हम दुनियादारी की फजूल बातों में मसरूफ होते हैं, तो अल्लाह ताला को पसंद है कि हम फजूल बातें और फजूल कलमात बोलने की बजाय हम अल्लाह का जिक्र करें, और वो जिक्र जो अल्लाह को बेहद पसंद है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहें जज़ाकअल्लाहु खैरन, जज़ाकअल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे, जो आप थैंक यू कहते हैं ना, थैंक यू, वो जब आपके साथ ही अच्छा सलूक करता है, कोई आपको तोहफा तहाई देता है, कोई आपकी मेहरबानी, आपसे मेहरबानी से पेश आता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप उसे कहें जज़ाकअल्लाहु खैरन। और बेटा मैं क्लियर करूं कि चूंकि एक ट्रेंड है थैंक यू वगैरह कहने का, तो आप अपनी क्लास फेलोज को
भी लोगों को बोले, लेकिन जब आप अपने मुसलमान दोस्तों रिश्तेदारों से घर में आप बोलिए उन्हें जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का मतलब पता भी होगा, और जिसे पता नहीं होगा वो कहेगा पता नहीं इसने मुझे क्या कह दिया, ठीक है ना। तो आप लोग चूंकि अब पता है आप सोसाइटी में आपसे ज्यादा एक से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ हम मूव करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में, अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को, जब कोई आपको अच्छी कोई बात कहे, कोई आपको पानी का एक ग्लास भी देता है तो आप थैंक यू बोलते हैं, आप कह सकते हैं जजाकल्लाहु खैरन। किस कदर प्यारी आप दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला।